हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आजकल हम एरी अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ द एरी अंडर द कर्व एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। We have discussed two applications. Now let us discuss some more applications of the area under the curve. Because this topic is very, very important. The question number 3 is, find the area of the region bounded by the parabola x square is equal to 4y and straight lines y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आज बच्चों हमने ये इसका एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर, ये जो कर्व्स दे रखी हैं, इनकी इक्वेशंस पहले है पैराबोला, दूसरी है स्ट्रेट लाइन, तीसरी भी स्ट्रेट लाइन है एंड वाई एक्सिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और इसका हमने रफ स्केच भी बनाया है यहां पे। तो ये बहुत जरूरी है रफ स्केच बनाना। दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, इनके भी इक्वेशंस यहां पे ड्रा की हैं। y इज इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 4 इज आल्सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये ग्राफ बनाया इसका, ये पैराबोला ऊपर की ओर खुला, इसकी एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, और ये एक्स इसको दो भागों में बांटा तो ये वाई इज इक्वल टू होगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और 1, 2, 3, 4 तो ये वाई इज इक्वल टू 4 होगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस सीडेड एरिया। This is the area which lies between y is equal to 2, y is equal to 4, y axis and this parabola and in the first quadrant. ये चारों conditions को ये satisfy कर रहा है। ये y is equal to 2, y is equal to 4, y axis और parabola के बीच का area है और first quadrant में भी है। यदि first quadrant नहीं कहा होता तो ये भी आना था, ये भी इसमें include होना था, तो भी हमने यही एरिया निकालना था और इसमें शेड दोनों को करना था और डबल करके आंसर आना था। परंतु यहां पे हमें कहा है, मेंशन किया है क्वेश्चन में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन, इसका फार्मूला होता है ए टू बी एक्स डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस से घिरा हुआ है तो यहां पर डी वाई आएगा और ये वाई की वैल्यू होगी, ए टू बी इंटू एक्स डी वाई। This is the formula of the area under the curve in this question. So this required area will be equal to 2 to 4 x into dy, and now substituting the value of y from equation number 1, and after finding the definite integral we will get the answer of this question. Now required area of the region is equal to area ABLMA, इसे शुरू करना है और ए पे ही पहुंचाना है। टोटल राउंड एरिया रिक्वायर्ड एरिया 2 टू 4 एक्स इंटू डी वाई। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 टू 4 4 वाई स्क्वायर रूट इंटू डी वाई, दिस बिकम्स 2 टू 4 2 इंटू वाई रेज टू पावर 1 बाई 2 इंटू डी वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड y रेज टू पावर 1 बाई 2। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ y रेज टू पावर n, दैट इज 2 इंटू y रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 4 है तो अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे। नाउ इट बिकम्स 3 बाई 2 2 इंटू y raised to power 3 by 2 upon 3 by 2 and that is 2 to 4. Now this 3 by 2 becomes 2 by
3 and it becomes 4 by 3. We get 4 by 3 into y raised to power 3 by 2 and 0 to 4. Substituting upper limit and lower limit, we get upper limit minus lower limit 4 by 3 into 4 raised to power 3 by 2 minus 4 by 3 into 0 raised to power 3 by 2. Now writing 4 as 2 raised to power 2. And after cutting 2 raised to power 2 with 3 by 2, we got 2 raised to power 3. That is 8. And 8 fours are 32. 32 upon 3 square unit will be the given area, required area. So it becomes 4 by 3 into 2 raised to power 2 raised to power 3 by 2. That is 4 into 8 upon 3. That is 32 upon 3 square unit. This is the required area of the question number 9. Find the area of the region bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to modulus of x. This is the question. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square. This is a parabola. It is of the form of x square is equal to 4ay, third type of parabola. And y is equal to x modulus, it represents two straight lines in the first quadrant and in the third quadrant. Ye iska graph banayenge passing through origin. So let us draw the graph of these two curves. So first of all, solution according to the question, the given equation of the straight lines are, the given equations of straight line of the curves are y is equal to x square and y is equal to modulus of x. These are the given equations of the curves. So we can write it as x square is equal to y, this is first, and y is equal to x modulus, that is equal to x. If x is greater than 0 and 0 if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0. This is the explanation of y is equal to x modulus. That is x if x is positive and 0 if x is 0 and minus x if x is itself negative. The graph of this parabola and these straight lines will be as, first of all, let us draw the graph of parabola, rough sketch. The parabola is of this type. This is a parabola, x square is equal to 4ay type ka hai, is prakar se ye parabola ka graph banega. And y is equal to x is a straight line which passes through the origin and making an angle of 45 degree, is prakar se ye graph banega, y is equal to x. And y is equal to minus x ka graph banega, is prakar. 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए
बिल्कुल सिमिट्री, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड होल दिस बिकम्स वाई इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस. दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ बोथ गिव्स द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x. Now the shaded region is this. This is the shaded region. Region bounded by y is equal to x and the parabola in the first quadrant. And this is also the shaded region because it is not mentioned that the you have to find the graph in the first quadrant only. तो ये है बच्चों दोनों ही जो है वो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा. ये एरिया भी और ये एरिया भी, दोनों एरिया हमें निकालने हैं. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये इसका रफ स्केच है, ये ओरिजिन है एंड ये वाई इक्वल टू एक्स है और ये जो ग्राफ है ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, पैराबोला का. अब बच्चों इसको निकालेंगे, इसको और इसको, हम केवल इसी एरिया को निकालेंगे और इसमें लोअर लिमिट लेंगे जीरो और अपर लिमिट यहां पे इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी अपर लिमिट और फार्मूला लेगा वाई ऑफ द अपर कर्व माइनस वाई ऑफ द लोअर कर्व और फिर बाद में जब इसका एरिया आ जाएगा तो इसका कर देंगे डबल, वो आ जाएगा टोटल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पैराबोला and the straight lines y is equal to x modulus. Now let us find the area O A B O. O A C O. This area, ये area B मानो या C मानो, कोई एक point यहाँ पे ले लीजिए ताकि हम इस area को पढ़ सकें. O A B O. This area. ये निकालना है, इसका करना है double. तो अब जो हम ये सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए. लिमिट अभी तक हमें लोअर लिमिट ही मिली है, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो और अपर लिमिट निकालने के लिए हमें यहां पे इसको सॉल्व करना होगा y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को. तो आओ बच्चों हम इस काम को करते हैं. तो ये अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, रफ स्केच बन गया और इनकी एक्सप्लेनेशन होगी और पता जज कर लिया कि क्या हमारा रिक्वायर्ड एरिया है. नाउ लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to x and x is equal to y square. आओ बच्चों अब हम इसे हम सॉल्व करें इस a के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. तो पुटिंग y is equal to x in x is equal to y square, we get y के स्थान पर भी x भर देना है, we get x is equal to x square. This implies x minus x square is equal to 0. This implies x common 1 minus x is equal to 0. We get x is equal to 0 and 1 minus x is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 and minus x is equal to minus 1. X is equal to 0, therefore, and x is equal to 1. These are the two points of intersection. X is equal to 0 is the first value of x and x is equal to 1. When x is equal to 0, then y is also 0. When x is equal to 0, y is equal to 0, putting
the value of x here or here. And when x is equal to 1, y is also equal to 1. Then y is equal to 1. Therefore, O 0, 0 and A 1, 1 are the point of intersections of the straight line y is equal to x and x is equal to y square. एक पॉइंट आ गया 0,0 जो कि दिखाई दे रहा है स्पष्ट, और ये पॉइंट आ गया 1,1. तो इस पॉइंट के ऊपर अब हमें ये लिमिट मिल गई, x is equal to 1 will be the upper limit and lower limit will be equal to x is equal to 0. Limit will be 0 to 1 and y of the straight line minus y of the parabola, और ये एरिया आ जाए. अब हमें ये जो प्रोसेस है ये बच्चों लिमिट निकालने के लिए है. जब तक ये लिमिट पता नहीं होती तब तक हम ये एरिया नहीं निकाल सकते थे. तो इस तरीके से बच्चों हमने लिमिट निकाल ली. 0 to 1 लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी 0 एंड अपर लिमिट होगी 1. ये एरिया जब निकालना है तो अब जो हमें इन्हें सॉल्व करके x की दो वैल्यू मिली और y की भी दो वैल्यू, मतलब इनके दोनों के कोऑर्डिनेट पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 0,0 पे और दूसरा 1,1 पे. इससे हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई एरिया निकालने के लिए. लोअर लिमिट x = 0 होगी और यहां पे x की वैल्यू 1 है तो x = 1 होगी अपर लिमिट, और रिक्वायर्ड एरिया दिस एरिया विल बी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी ओ, इट विल बी इज इक्वल टू वाई ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपर कर्व दैट इज द प्लेइंग द रोल ऑफ वाई टू माइनस वाई ऑफ द लोअर कर्व दैट इज पैराबोला एंड दैट वैल्यू हुज वैल्यू इज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स. क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है 0 और 1 तो यहां पर डी एक्स आएगा और पीछे वाई टू माइनस वाई 1 और लिमिट 0 to 1. तो ये एरिया हो जाएगा 0 to 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 0 to 1 अपर लिमिट 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 दैट इज 1/2 माइनस 1/3 टेकिंग 6 एलसीएम वी गेट 3 माइनस 2 दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट. दिस इज द एरिया, दिस शेडेड एरिया इज 1/6 स्क्वायर यूनिट. फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड एक्स की 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लिए 6 3 माइनस 2 1/6 स्क्वायर यूनिट. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द रीजन डबल कर देना है 1/6 का, टोटल एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स दिस एरिया एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द रीजन विल बी इक्वल 2 इंटू एरिया ओ ए बी ओ एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट. 2 into 1/6 that is 1/3 square unit. This is the required area, total required area of the area. बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x square upon 16
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज करते हुए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम हियर। दिस इंप्लाइज y square upon 9 will be equal to 1 minus x square upon 16. Therefore, it becomes y square upon 9 will be equal to 16 minus x square upon 16. After this, it becomes y square is equal to 9 into 16 minus x square upon 16. Therefore, it becomes y is equal to square root of 9 into 16 minus x square upon 16, and value of y is taking only positive sign 3y4 into 16 minus x square root. This is the first step of such type of गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। वहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आ गई 3y4 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। नाउ लेट अस ड्रा द रफ स्केच ऑफ दिस इलिप्स। दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज ग्रेटर देन 9। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। A square is 9, A square is 16, and B square is 9, 4, and B is 3. Therefore, the rough sketch of such type of ellipse will be like this. ये ellipse इस प्रकार से होगा। X axis में इसकी value ज्यादा होगी, A की value ज्यादा है, तो इसलिए इस तरीके से, और B की value। तो इस प्रकार से बच्चों ये ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा फ्लैट ये हो जाएगा ए, ये बी, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन ए विल बी इक्वल टू 4, दिस विल बी 4,0, एंड दिस विल बी इक्वल टू -4,0, एंड this is the area of the ellipse in the first quadrant. X is equal to 0 will be here limit, and x is equal to 4 will be here limit. Lower limit will be 0 and upper limit will be 4 for this area. And this is O, A, B, and this is B, and this is C, and this is O. So this area O A B C O will be calculated by the formula 0 to 4 y of the ellipse into dx. यहां से ये निकाल लेंगे और इसका 4 टाइम करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स आ जाएगा। तो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका है बच्चों y की वैल्यू निकालो, दूसरा है स्टेप इलिप्स का डायग्राम बनाओ। ये थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा फ्लैट है, ये 4 है वैल्यू और ऊपर को 3 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। ये मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है, माइनर एक्सिस ऊपर की ओर है, तो इसलिए ये बड़ी होगी। इस तरीके से फ्लैट सा ये इलिप्स बना दिया और ये लिमिट भी ले ली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ये 4 का आइडिया यहां से लगा क्योंकि a की वैल्यू 4 है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 4। नाउ लेट अस अप्लाई द फार्मूला एंड फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स। अब जो एरिया ऑफ द इलिप्स,
विल बी इज इक्वल टू फोर टाइम द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज ओ ए बी सी ओ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हमने शेड किया था वो एरिया मेंशन किया है यहां पे ओ ए बी सी ओ, और उस एरिया के लिए लोअर लिमिट जीरो थी और अपर लिमिट फोर थी। तो जीरो टू फोर लिमिट ली एंड एरिया का फार्मूला हो जाएगा ये एक्स की वैल्यू थी तो इंटू डी एक्स आएगा और यहां पे वाई आएगा जीरो टू फोर वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस से घिरा हुआ एरिया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फोर टाइम्स एरिया जीरो टू फोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज 3/4 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू भर दी जो कि इलिप्स से निकाली थी सबसे पहला स्टेप 3/4 आउटसाइड एंड कटिंग 4 विद 4 वी गेट दिस एंड अप्लाइंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स दैट इज एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन का, जहां ए का रोल फोर कर रहा है फोर स्क्वायर 16 दिस इज 16 इज ए स्क्वायर वी गेट दिस एंड अपर लिमिट एंड ये लोअर लिमिट पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट दैट इज 4 वी गेट 4 इंटू 16 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 अंडर रूट अपॉन 2 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0 पुटिंग 0 हेयर वी गेट 0 एंड पुटिंग 0 हेयर वी गेट साइन इनवर्स 0 दैट इज अगेन 0। लोअर लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ा 0 प्लस 0। अब ये इट बिकम्स 3 इंटू दिस बिकम्स 0 बिकॉज 16 माइनस 16 इज 0 अंडर रूट दैट इज 0 एंड वी गेट 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 दिस इज साइन इनवर्स 1 एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 2 वी गेट आफ्टर कटिंग साइन बाय साइन इनवर्स वी गेट 3 इंटू 8 दैट इज 24 इंटू पाई बाई 2। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द इलिप्स बिकम्स 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन इलिप्स हुज इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया होता है उसे निकालना होता है और उसको 4 से गुणा कर देनी होती है और y की वैल्यू निकालेंगे तो y dx वाला फार्मूला लग जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।